Hi everyone, my name is Vanda Nishal. My YouTube channel is Vanda Nishal's Passion. तो मैं एक मेकअप लुक डालने वाली हूँ जो मैंने सब कर रखा है. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट करना. बताना मुझे कमेंट करके कैसा लगा है. प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे देना. माई फर्स्ट वीडियो ये मैंने गेट टुगेदर मेकअप लुक करा है. जैसे घर में कोई गेस्ट घर में कोई आए गेट टुगेदर हो छोटा सा, तो उस टाइम पे लुक करा है मैंने जो अच्छा लगे. और नो फाउंडेशन लुक है. प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. मैंने फेस वॉश कर लिया. मैं ये टोनर लगा रही हूँ. ये गुड वाइब्स का टी ट्री टोनर है. जैसे ड्राई हो जाएगा तो मैं सीरम यूज़ करूँगी. ये भी गुड वाइब्स का विटामिन सी B3 सीरम है. काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. आप सोच रहे होंगे कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. ये अच्छे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं. आप पर्पल ऐप पर देख सकते हैं. कोई रिस्पॉन्सर वीडियो नहीं है. ये मैंने खुद परचेज़ करे हुए हैं और मैं आपको बता रही हूँ माई फर्स्ट वीडियो. मुझे पर्सनली ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं. ये गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल है. मैं एज ए प्राइमर और एज ए मॉइस्चराइज़र दोनों तरीके से इसको यूज़ करूँगी. और ये लोटस की सन ब्लॉक है, सन क्रीम है. ऑल स्किन टाइप है. SPF 30. डैब डैब पोशन में लगाऊंगी पूरे फेस पे और नेक पे. सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए डे मेकअप पे. मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने एलोवेरा जेल यूज़ करी है और मॉइस्चराइज़र में भी और प्राइमर में. और ये BB क्रीम लगाऊंगी मैं फेयर लवली की सनस्क्रीन के 10 मिनट बाद या 5-10 मिनट बाद, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए सनस्क्रीन. डॉट डॉट करके लगाऊंगी, पूरे फेस को कवर करूंगी डॉट डॉट से. फुल कवरेज तो नहीं देती है बट अच्छी है. मतलब सस्ती एंड टिकाऊ कहते हैं ना, अफोर्डेबल. मुझे अच्छी लगती है पर्सनली. अगर बाय द वे नॉर्मल है मॉइस्चराइज़र या सीरम लगा के भी नॉर्मल घर में लगा लो तो छोटे मोटे दाग धब्बे छुपा देती है. क्या नाम है ये क्रीम. और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं पूरा फेस कवर करूँगी. ये आइस के इनर कॉर्नर पे आइस पे मैं फिंगर से ब्लेंड करूँगी. फिंगर से ज़्यादा अच्छे से आइस पे लग जाता है. और मैं कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसके मैं दो कोट लगाऊंगी. एक दो मिनट रुके, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है. जब जैसे कंसीलर लगाते हैं उसी तरीके से मैं इसको आइस के पास इसको हाईलाइट एरिया पे लगाऊंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से. जहाँ जहाँ मेरे रह गया मैं वहाँ वहाँ पूरा कवर कर रही हूँ. ये पर्पल का लिप बाम है रोज़ वाला. और ये 9 to 5 का कॉम्पैक्ट पाउडर है. ये मेरे पास है, आपके पास जौन सा है वो लगा सकते हो. मतलब कि इस तरीके से आप सेट कर सकते हो अपने मेकअप को. अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं ये भी सारे के सारे और डेली में अच्छे हैं. ये लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा है. मतलब फेस को ऐसे ना ऐसा नहीं लगता, काला नहीं होता जैसे कई बार काला हो जाता है. अगर फाउंडेशन पे भी लगाओगे तब भी अच्छा लगता है. और ये स्विस ब्यूटी की मेरे पास आईब्रो पैलेट है, इसका ग्रे शेड लगाऊंगी. ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आती है. आप जहाँ मतलब इसी के मतलब जो शॉप से लोगे लोकल में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है. ये भी अफोर्डेबल है. ग्रे शेड लगाऊंगी. मतलब मेरी आईब्रो के साथ बिल्कुल नेचुरल कलर लगता है ग्रे, आप देख सकते हैं. थोड़ा सा मुझे लाइट लगा तो मैंने हल्का सा और लगाया है. और ये कलर क्वीन का आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैं पीच कलर लगाऊंगी. ये एंकल ब्रश से लगाऊंगी. हाउसवाइफ के लिए तो ये मेकअप है ही है, अगर बिगनर्स भी कर सकते हैं. नॉर्मल तरीके से मैं ब्रश से लगाऊंगी जैसे मेरे को आता है लगाना. नॉर्मल तरीके से लगाऊंगी पर अच्छा लगेगा आपको. मतलब हल्का लाइट सा पीच सा है, कोरली सा शेड है. कोरल से भी लाइट है, पीच ही बोलेंगे, लाइट पीच कलर. अब मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करूंगी. फ्लैट ब्रश से लगा रही हूँ.
पूरी आईलिड मैंने कवर कर ली है। और ये मेबलिन का लाइनर है, क्लोजिकर लाइनर, मैं नाम भूल रही हूँ सॉरी, पर काफ़ी अच्छा लाइनर है ये, क्या नाम है, लिक्विड लाइनर आई लाइनर, और क्या नाम है, वाटर प्रूफ है और हैवी हैवी नहीं लगता आइस पे लगाने के बाद ना। मैं विंग आई लाइनर लगा रही हूँ, मैंने मश्कारा भी लगाया, वो क्लिप सॉरी में से मिस हो गई है। और ये मैं क्या नाम है, ये भी कलर क्वीन का हाइलाइटर आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश। और ये पिंक सा ब्लश है, अच्छा लगता है काफ़ी नेचुरल सा, थोड़ा सा लाइट लगाऊंगी और नोज़ पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा, अच्छा लगता है ये, आजकल चल रहा है काफ़ी ट्रेंडी है पिंक पिंक सा चिक्स नोज़ को भी। और ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आईब्रो के पास भी लगाऊंगी हाईलाइट करने के लिए हल्का सा, आपको जैसे मर्जी है लगा सकते हैं। ये भी कलर क्वीन की लिपस्टिक है, शेड नंबर 20 हेजल नाम है इसका, काफ़ी अच्छा कलर है, क्रीमी मैट करके शेड है, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ये डे में और अच्छा लगता है, एकदम ग्लो लगता है फेस पे। ब्लू के साथ पिंक के साथ आप लगाओ तो काफ़ी अच्छा कलर है। ये CV3 की आई शेडो पेंसिल है और ये मैं मतलब आईज हाफ एरिया में लगाऊंगी आईज के, थोड़ा सा आईज को बिग लगाने के लिए, थोड़ी मेरी आईज छोटी है ना तो मैं बिग थोड़ी सी लगे मेरी आईज। और इसके दो शेड यूज़ करें, एक लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन। और ये हाइलाइटर लगा रही इनर कॉर्नर्स पे। ये मेरा मेकअप लुक तैयार हो गया, मैंने बिंदी लगा ली है, ये साइड में मैंने चोटी करी है और मिरर वाले इयर रिंग्स पहने हैं। बताइए कैसे लग रही हूँ मैं, कमेंट करके बताना और शेयर करना मेरी वीडियो को। और ये अब मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ, गुड वाइब्स का लिक्विडियंस बॉडी लोशन है। लाइक सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को।